फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं मेरे चेहरे पे टैनिंग कितनी आ गई है, तो उस टैनिंग को भी दूर करना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पर। कितने दिन बाद आए आज, देख सकते हैं थकान थकान से आंखें कैसी हो रही हैं, बहुत थक गए यार। पूरे 9-10 दिन हम लोग घूम कर आए। अब हम लोग लगेंगे सफाई पर। रात आए थे कुछ तकरीबन 9:30 बजे आ गए थे, है ना? 8:30 बजे आ गए थे। फिर उसी टाइम सब लोग नहाए, बच्चों को नहलाया, और जितने भी जूते चप्पल जो बाहर के थे वो सब धुल धुल के बाहर ही रख दिए थे, क्योंकि फिर क्या होता है जूते चप्पल एक दूसरे के कोई रख दे तो और दूसरे भी गंदे हो जाएं, क्योंकि सब जगह ले बाथरूम प्लेटफॉर्म पे बाथरूम में जाओ सब जगह जाओ तो मुझे बड़ा घिन लगती है, तो वो तो मैंने चीज़ें रात में ही कर दी थी। अब देख सकते हैं मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, साइकिलें यहाँ रख दी थी चाची ने, चाची से ऊपर नहीं ले जाया गया था, बाहर पड़ी थी, तो अब इनको ऊपर रखवाएंगे, एक साइकिल नीचे जाएगी। और इतने दिन हमारे यहाँ घर पर चाची रहीं, चाचा चाची हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर रही चाचा की, तो बस अभी चलते हैं। थोड़े से प्लांट वगैरह मैं लेके आई हूँ, एक दार्जिलिंग से लेके आई, दो लेकर आई, एक रिंकी दी लेकर गई, एक मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। और मेरे जो कपड़े हैं, कुछ कपड़े मैंने क्या करा था अलग रखे थे मैंने, एक सूटकेस में धुले हुए कपड़े रखे जो मैंने नहीं पहने और दीदी के यहाँ कुछ धुल लिया था, और दो सूटकेस में मैंने गंदे रख लिए थे जो मुझे धुलना है, तो इसे अलग अलग रखे, क्योंकि जो धुले हुए हैं वो वापस से अलमारी में लगा दूँगी और जिनको धुलना है वो अभी धो लूँगी सारे कपड़े, तो लगते हैं काम पे, बाकी तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। और हाउस हेल्पर आती थी और चाची ने भी घर बड़ा साफ़ सुथरा रखा, ऊपर नीचे झाड़ू पोछा सब हो ही जाता था, तो मुझे कुछ भी ज़्यादा सफाई नहीं करनी, बस मुझे अपने कपड़े वगैरह। और बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ थी, और कुछ लोगों ने पता है क्या बोला था जब हम लोग घूम रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो। भैया बच्चों की छुट्टियां चल रही थी तभी तो घूमने गए थे, अब 18-19 जून से अब स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के स्कूल, तो वो भी सब किताबें वगैरह इकट्ठी रखनी पड़ेंगी, सब बैग तैयार करने पड़ेंगे, टिफ़िन कौन सा ले जाना है सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। चाची कर रही है पूजा, तो चलो स्टार्ट। प्लांट मैं लेकर आई हूँ दार्जिलिंग से, और ये इतने ठंड में रहता है, मतलब वहाँ का ठंडा मौसम था, इसको ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं। अब बस ये है कि ये चल जाए कैसे भी, क्योंकि इसकी जब दीदी लाई थी तो एक एक पत्ती सब झड़ गई थी, इसकी भी काफ़ी पत्ती झड़ गई हैं। मैंने क्या किया था, पटना में मैंने एक नर्सरी में जाके गमले में लगवा लिया था मैंने इस तरीके से। अब मैं जा रही हूँ इसको अपने रूम में ही रखूँगी। ये क्रशुला जेड प्लांट है, मुझे प्लांट वैसे ही बहुत पसंद है, और इसकी एक जो है वो मैं लाई थी ताई के घर से, तो चाची ने बहुत पानी डाला तो इसकी ना पत्तियां झड़ गई हैं, तो मैंने कहा अब नहीं डालूंगी मैं इसमें पानी, बिल्कुल भी पानी इसमें बहुत कम से कम डाला जाता है, तो आधी पत्तियां झड़ गई इसकी। ये भी मैं लगा कर गई थी, और प्लांट देख सकते हैं मेरे बहुत सुंदर हैं सारे, चाची ने बहुत अच्छे से पानी उन्हें सब डाल के रखा। थोड़ा इसका भी, ये क्या थोड़े से गर्मी वाले वो ठंडक वाले प्लांट है, इसकी भी पत्तियां मुझे साफ करनी है, थोड़ा सा सूख गई हैं, ये तो कैसे भी चल जाता है, ये बिना केयर वाला प्लांट है, ये स्नेक प्लांट, तो इसको मैं ले जाती हूँ अपने रूम में रखती हूँ। तो हमारी चाची जान पूजा कर रही हैं, चाची जान, ओ चाची जान, चाची जान हमारी पूजा कर रही हैं, हम कर लें अपने काम। फ्रेंड्स, घर की साफ़ सफाई स्टार्ट हो चुकी। घर की साफ़ सफाई तो कुछ ज़्यादा नहीं करनी है, बस मैं आपको बताऊं जो मेरे कपड़े हैं बस उनको ही धुलना है, वो ही धुल के तय बनाना, वो ही बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ पर ये प्लांट लेकर आई, मैंने कहा इसको भी पोंछ के रख देती हूँ रूम में, और इसमें चाची बता रही थी कल ही पानी भर के रखा है बैम्बू ट्री में, तो इसमें भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस ये इस जगह पे मैं रख रही हूँ, बस ये चल जाए, क्योंकि इस रूम में एसी चलता है दिन भर और रात भर भी, तो फिर ना ये ठंडा रहेगा, क्या पता ये चले कि नहीं चले, अभी कुछ पता नहीं है, पर मैं 3-4 दिन यहाँ रख के देखूँगी, क्योंकि बहुत ठंडे दार्जिलिंग में बहुत ठंडा था, तो मुझे ये लग रहा है क्या पता ये एसी में चल जाए। आप लोग बताना कि इसको मैं हवा में रखूँ बाहर, क्योंकि बाहर भी जो प्लांट है बालकनी में है वो
सब छाया में ही है, धूप में नहीं है। बस आप लोग सजेशन देना कि इसको मैं बाहर रखूं। बैम्बू ट्री तो अभी मैंने रख लिया है अंदर ही, तो बस यहाँ पर जो ये ट्राली बैग हैं इसमें मेरे पूरे धुले हुए कपड़े, इसमें कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है जो गंदा हो। तो मैं इन कपड़ों को लगा देती हूँ अलमारी में, बच्चों के रख दूँगी, और जो अनिक के पापा के मेरे जो भी सूट जो मैंने पहने नहीं है, पटियाला सूट कुछ ज़्यादा ही ले गई थी पहनने के लिए तो वो नहीं पहने, तो उनको रख दूंगी वापस से अलमारी में, और ये बैग ले जाऊंगी ऊपर धुलने के लिए। और मैंने एक बार मशीन में लगा दिए हैं कपड़े, कुछ पापा जी के कपड़े थे, कुछ हस्बैंड के कपड़े, वो लगा दिए हैं, और इनमें खाली कर रही हूँ बैगों में, इनमें ही भर के लेकर आई थी सारे कपड़े। दीदी के यहाँ नहीं धुले थे, जो पहनने वाले थे वो ही कुछ धुले थे, तो बस इन सारे बैग को अब मैं लेकर जाऊँगी ऊपर। पहले सोचा कि बाथरूम में धुल लूँ, पर बाथरूम छोटा है तो फिर नहीं धुला मैं सीधे ऊपर, ना इनको छत पर ही लेकर गई, मैंने कहा छत पर धुल जाएंगे, तो पहले एक बार और लगा दिए कपड़े, कुछ धुल गए हैं तो उनको फिर मैंने ऊपर डाल के आ गई हूँ, और एक बार फिर से लगा रही हूँ। फिर थोड़े से और कपड़े हैं, वो मैंने सोचा कि यहाँ समय लगेगा मशीन में, हाथ से धुल लेती हूँ, तो मैं और मम्मी जी बोली चलो नल आ रहे हैं, यहाँ पर जब नल आते हैं ना तभी पानी आता है, एक एक दिन छोड़ के आते हैं, तो पानी इस वक्त आया हुआ था, तो मम्मी जी बोली चलो फटाफट से गौरी ऊपर ही रख लेते हैं सारे कपड़े, और ये बैग वगैरह फटाफट से मैं धुलवा दूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कहा ये सोफे ऊपर सही कर दूँ मैं। आज नीचे ही कुछ काम ज़्यादा हो गया था, बर्तन वगैरह कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो आंटी ने ऊपर लगाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी वैसे भी मैं नहाई नहीं हूँ, कपड़े सफाई ही का ही काम चल रहा है, तो मैंने कहा फटाफट से मैं ही पोछा वगैरह लगा देती हूँ। तो ऊपर के जितने भी कपड़े वगैरह थे, बैग वगैरह सब धुलकर हम लोग आ गए हैं, और बस अब मशीन में थोड़े बचे हैं कपड़े, ज़्यादा अब नहीं बचे। अब इतना सुकून लग रहा था, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया था, घर तो वैसे था ही पर कपड़े धुल रही थी तो थोड़ा मैसी हो गया था, तो बस वो भी सब कुछ क्लीन हो गया, एक एक कपड़ा धुल गया। बस अब जितने कपड़े हैं उनको उनकी जगह पे लगाना है, प्रेस के लिए भेजना है, अलमारियों में तय बना के लगाना है, तो यहाँ पर भी मोपिंग कर लेती हूँ मैं। और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई, फिर मैंने मोबाइल नहीं उठाया, खाना वाना खाया, आराम किया, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी सफ़र की, और एक तो मेरे बैक में भी पेन रहता है, बताऊंगी आपको कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम छोटी नहीं बहुत बड़ी हुई है, तो मैं काफ़ी टाइम से उसको लेट गो कर रही थी, पर अब नहीं, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है, दिखाना ही है, क्योंकि अब थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रही है, बताऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि बैक में क्या प्रॉब्लम आई है मेरे।
तो चलो यहीं पे अपना आज का जो ये ब्लॉग है अपना एंड करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।